नमस्कार, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मेरा नाम है सत्यम प्रकाश, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज 12 जुलाई है। हम लोग मनाली में आए थे 8 जुलाई को। अभी मैं फ़िलहाल करजान में हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे ये मैं इस जगह को मेरी वीडियो में। पहले तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत खुशनुमा मौसम था, मैं बारिश का नामो निशान नहीं था और एकदम धूप खिली धूप रहती थी यहाँ पे। लेकिन कल रात से यहाँ पे भारी बारिश होने शुरू हो गई। अभी जाकर बारिश कुछ थमी है तो मैं बाहर आ सका हूँ। तो हालात ऐसे हो गए कि यहाँ से कुछ ही घंटे, मतलब 5-6 घंटे की दूरी पे एक धर्मशाला है, जानते ही होंगे, धर्मशाला मैक्लॉडगंज, वहाँ पे बादल फट गया। तो बादल फटने से ऐसा हो गया कि वहाँ पर बाढ़ सी स्थिति, फ्लैश फ्लड आप जिसको कहो, अचानक बाढ़ आना, तो शहरों में वहाँ पे अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मैं खासा नुकसान हुआ है वहाँ पर लोगों को, वहाँ के मतलब गाड़ियाँ बह गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ वहाँ पे देखने को मिले हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ धर्मशाला में हुआ है, ऐसा ही कुछ मैं आपको स्थिति अभी जम्मू की भी है। जम्मू में भी फ्लैश फ्लड आया है, वहाँ पे भी बादल फटने की खबर आई है। तो बताया जा रहा है कि जम्मू और हिमाचल के पास में वहाँ पे कुछ बादल में इंटरसेक्शन हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता है, शायद कुछ इससे ऊपर नीचे हो मेरे टर्म में, इंटरसेक्शन हुआ है, जिस कारण से यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अभी के लिए यहाँ की सरकार ने, राज्य सरकार ने ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया है। तो अब ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट है क्या? ऑरेंज अलर्ट बेसिकली है एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम अगर आपको रेड अलर्ट है तो एक्सट्रीम से एक कम नीचे ऑरेंज अलर्ट होता है, और ऑरेंज से होता है येलो अलर्ट। तो बताया जा रहा है कि मंडी वगैरह इन सब जगह पे शायद ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर। अब चिंता की बात यह है कि बारिश अगर ऐसे ही लगातार बनी रही तो हम लोग दिल्ली वापस कैसे जाएंगे? तो अब भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से ये बारिश ख़त्म हो जाए और मौसम साफ़ हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हो पहाड़ों का कोई भरोसा नहीं है। अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर एकदम इस कदर बादल छाए हुए थे कि आप कह लो कि इससे ख़तरनाक तो कुछ दिख ही नहीं रहा हो, और अभी 5 मिनट के अंदर बादल ख़त्म हो गया। फिर ये अभी एक बार नहीं हुआ, ये ऐसा करीबन 2-3 बार ऐसा हो चुका है सुबह से। तो पहाड़ों पे मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये बारिश थमे। अभी भी बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि बारिश थमे और आज में ये बारिश थम जाए ताकि कल हम लोग वापस जा सकें। लेकिन अगर आप कुछ मेरे दोस्तों से मैंने बात किया जो पत्रकार हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि ये अभी आने वाले 1-2 दिनों और इस तरीके की बारिश रहेगी। तो अब देखिए अब क्या कहा, अब क्या होता है। अब ये तो सब ऊपर वाले की इस पर रहमो करम पर है, इसमें हम तो इंसान लाचार हैं। अब अगर बारिश रुकती है तो हम जाएंगे, नहीं रुकती है तो हम यहीं पे फंसे हुए हैं। तो देखते हैं अब क्या रहता है। तो अभी के लिए मेरी आपको एक तरीके से आप सुझाव अगर आप के तौर पे समझें तो इस समय अभी आप पहाड़ों पे आना अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं कि कोरोना है, कोरोना है वो तो अवॉइड करना ही चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो कोई आइसोलेटेड से प्लेस में रहो, लेकिन यहाँ पे मौसम अभी बहुत ज़्यादा बदल रहा है। तो कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के लिए आप देख लो, आप 15-20 दिन आप रुक जाओ, उसके बाद फिर आना शुरू करो। क्योंकि अगर इस तरीके से बादल मान लो आप फट रहे हैं और कहीं पर फ्लैश फ्लड आ गया और आप फंस गए तो फिर वो एक और दिक्कत की बात है। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा कुछ दिन अवॉइड कीजिए, 15-20 दिन आप अवॉइड कीजिए, और फिर आप देख ही रहे हो कि कोरोना वगैरह भी है, लेकिन फिर भी आप ये बाढ़ वगैरह के कारण से आपको भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए पहाड़ों पे, चाहे वो हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर आपको जम्मू कश्मीर हो, तो वहाँ पर मौसम जो है तुरंत तुरंत बदलता है। तो अब ऐसा है कि ये जितने भी, लकली मैं ऐसे जगह पे फंसा हूँ जहाँ पर कि इन सब व्यू को देख करके मैं बोर नहीं हो सकता हूँ। आप व्यू देख सकते हो, इस तरीके के व्यू जो किसी को भी देख करके, मतलब आप देखते रहो तो आप दिन भर सुबह से शाम तक देखते रह जाओ, ऐसे व्यू हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, काम भी है और घर भी जाना है, तो उसकी भी एक चिंता है
कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचें और काम शुरू करें, ऑफिस जाना है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो और बस खैर, आप मेरे, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे कुछ पिछले वीडियोस हैं वो जो मैंने यहाँ पे शूट किया है मानसून में, आप कैसे मनाली का या फिर मनाली के आसपास में वो हिडन प्लेसेस का आप मतलब मज़ा उठा सकते हैं। वैसे कुछ एक हिडन प्लेसेस है जहाँ पे शायद बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, तो वैसे कुछ एक हिडन प्लेसेस को मैंने निकाला है, वो आप देखिए, आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अपना फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।